तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असरवा उदयपुर रेलवे लाइन या अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर ट्रेनों के संचालन के अपडेट को लेकर के। अभी बात करें कि कितनी ट्रेनें संचालित हो रही हैं पूरे रूट के ऊपर, तो उदयपुर से लेकर के असरवा के बीच में लगभग 5 ट्रेनें संचालित हो रही है और हिम्मतनगर से लेकर के अहमदाबाद के बीच में सिर्फ या असरवा के बीच में अभी सिर्फ एक ही डेमो का संचालन हो रहा है। यानी कि हम बात करें टोटल 6 ट्रेनें जो हैं इस रूट के ऊपर अप डाउन कर रही हैं। और बात करें कि अभी जो ट्रेनें हैं उनको यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो धीरे धीरे मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक अपडेट निकल करके आ रहा है कि जो असरवा से लेकर के उदयपुर के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि असरवा उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम पे संचालित होती है, और यही ट्रेन जो है वो सबसे पहली ट्रेन संचालित की गई थी, जो कि सुबह 6 बजे के आसपास असरवा से रवाना होती है और उदयपुर पहुँच जाती है लगभग 11 से 12 बजे के आसपास में। अब इस ट्रेन के एक्सटेंशन मावली के रास्ते चित्तौड़गढ़ तक करने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन जो है अब इसको सीधा चित्तौड़गढ़ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर इसके अलावा रेलवे एक ऑप्शन यहाँ पर और लेकर के आ सकता है कि उदयपुर से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन न करते हुए इस ट्रेन की जगह चित्तौड़गढ़ से लेकर के असरवा तक एक मेमो ट्रेन का संचालन, या फिर वैसे तो डेमो का ही संचालन किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक स्पेशल नंबर से ट्रेन जो है वो पैसेंजर कैटेगरी को एक एक्सप्रेस के तौर पे रेलवे यहाँ पे संचालित कर सकती है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो असरवा से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक के लिए एक मांग थी उसको यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा, साथ ही इस रूट के ऊपर एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी होना ज़रूरी है, तो उसका भी यहाँ पर जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए जो है अभी ऑफिशियल लेटर्स या फिर ऑफिशियल प्रूफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फेक जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जैसे कि लोक शक्ति एक्सप्रेस का विस्तार या अहमदाबाद से 10 ट्रेनों का विस्तार उदयपुर होगा, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें जो हैं जिनका यहाँ पे फेक अपडेट दिया जा रहा है। पर ऐसा अभी कुछ भी अपडेट निकल करके नहीं आ रहा है कि अहमदाबाद या उदयपुर से किसी ट्रेन का एक्सटेंशन होगा। बस ये दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि या तो चित्तौड़गढ़ से असरवा या हिम्मतनगर तक एक पैसेंजर ट्रेन या फिर एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चला दी जाए जो कि हर स्टेशन पे रुकते हुए संचालित होगी, या फिर हो सकता है कि असरवा से लेकर के उदयपुर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस उसका एक्सटेंशन यहाँ पे कर दिया जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मीटर गेज के टाइम की ही ये ट्रेन है और उसी को ब्रॉड गेज के टाइम पर वापस से रिकंटिन्यू किया गया है, तो हो सकता है कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पर मुश्किल होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो रेलवे फॉलो कर सकता है कि चित्तौड़गढ़ से लेकर के हिम्मतनगर या फिर चित्तौड़गढ़ से लेकर के असरवा तक एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया जाए। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर से बताना, और कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन या फिर एक्सटेंशन उदयपुर से असरवा की ओर होना चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को मावली उदयपुर या फिर बड़ी सादड़ी उदयपुर वाली जो ट्रेन है उसके बारे में बताया था, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलेंगे भी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।